नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की जांच कर रही सीबीआई की टीम एक बार फिर साहिबगंज पहुंची। हाईकोर्ट के निर्देश पर साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है। तीसरी बार सीबीआई की टीम 23 नवंबर को साहिबगंज आई थी, जिसके बाद 3 दिनों की जांच पड़ताल कर 26 नवंबर 2021 को वापस पटना लौट गई थी। इसके 66 दिन बाद 1 फरवरी 2022 मंगलवार को सीबीआई की टीम फिर वापस साहिबगंज आई है। सीबीआई इंस्पेक्टर के नेतृत्व में 2 सदस्यीय टीम साहिबगंज पहुंची। ज्ञात हो कि रूपा तिर्की की मौत मामले के बाद पहली बार सीबीआई की टीम 9 सितंबर 2021 को साहिबगंज आई थी। पूछताछ के 16वें दिन 24 सितंबर 2021 को पटना लौट गई थी। इसके 4 दिन बाद फिर वापस आई सीबीआई। 8 अक्टूबर 2021 को मेडिकल बोर्ड से पूछताछ के बाद फिर वापस पटना चली गई थी। इसके बाद 46 दिन बाद तीसरी बार 23 नवंबर 2021 को साहिबगंज आई थी और 26 नवंबर को वापस पटना लौट गई थी। इसके ठीक 66 दिन बाद 1 फरवरी 2022 को साहिबगंज लौटी है। अब सभी लोगों की नज़र सीबीआई जांच पर ही टिकी हुई है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।